वेलकम टू बालिका पद्मनाथ वीट समेल इनकी नम्बर पाकपो नवरात्रि स्पेशल संडे वो गोधुम यूस पड़े पड़ोला अद अशोक हलवा इतना रे विधा पड़वा अशोक हलवा वो तिरुवारूर वे मेरी कंभकोण वे मारे पड़वा ना से पयतर सेपी चल पा इतक वो ना गोधुम वचर हाफ कप मेशरमेंट वन उड़े वचर गोधुम इतक वो ना वो पाई अलव पयतर अयत वो ती ऊ वेग वे टोटला ना मेशरमेंट पड़ी वो पाती रे कपे वो हाफ ग्रप मुकाल रे अलव वेलते अलग कुछ तर ऊती करेची वचर अंत करेच नम्बर तीर मेशरमेंट रोम मुख्यमंत्री सेतु पाती मूं अल्वकूड़ा इतक तक नये कुमपू वो सूडान तर वचर इलका तूल सुू इं वरत वचर बदाम मुंद्रि द्राक्ष नये नाम गोधुम ना वरकणुंग गोधुम वो नोड़ सेको अब आना अभी वरको पाको अदा रोम मुख्यमंत्री ना वरता टेस्टिया इतल सेतक ना वासन वरण कुछ विडाम कल नमचल कल अड़ेल ओवर ब्रउन आईकूड़ा ना वरुण अद्क तरह नये विडण और ना मनम लेसा वह कलर मारी स्टेज ना पड़पुर वेग वच पायत पर्प इत ना कुहवा वेग वे पर्पा कूड़ा इत वो कट तट रे कपल सेक गेटे वो कुंम पू सेक सुूल ना कुछ कलटे ना गिपड़ो इंत वेसल ये वीलो और वे अड़े ओटा कुछ नये सेतकटे वांग इन कुछ नड़सिया अभी ना वंद पड़सिया फर्स्ट गोधुम वर्क नम्बर वो कूड़ा नोटा नम्बर वो नाई कुहवा वो आना वो ना कटी तटाम वो हलवा वो मतलब ओटा कुछ नोटकला ना किरण इतमी पाती ना तिका वं कड़सिया कुछ ने सेक गोधुमी वो द्राक्ष कुछ डेकरेशन वे मीदे वो मुंद्रि विरपा बदाम पटकल उ विरपम पाती நம்ம இப்ப நெய் சேர்த்தது அந்த நெய் ஊட்டு வர மாதிரி இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் கலந்து விடணும் நீங்க அத மொத்த நெய்யும் கூட முதல்லயே போட்டு கோதுமை வறுத்துட்டும் பண்ணலாம் ஆனா பைத்தம் பெப்பர் நல்லா சாஃப்ட்டா வேக வைக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப பாருங்க இது நல்லா சுருண்டு வந்திருச்சு அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல பளபளன்னு இருக்கு பாருங்க கையில தொட்டா பொட்டல இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் इतना सिलिका मुलूंग इत के बेक पड़ना नम्बर एदा ना डेकेशन पड़ी वेकन अभी तलग तिरपी पट अेप वो इतना ना इतना पड़े जस्ट डिस्प्ले का मटमें
இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி திருப்பி போகிறதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி சிலிக்கா மோல்டை இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த கிரிப்பை பிடிச்சிட்டு இப்படி தலைகீழாக திருப்பணும். திருப்புறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆல்ரெடி நம்ம கிரீஸ் பண்ணியிருக்கோம், நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ ஏதாவது ஒன்று போடலாம். முக்கால்வாசி நெய் தான் போடணும், உருக்கிய நெய் போட்டுங்க நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழகாக வரும். இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம எப்படி வேணால் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். மிக சுவையான அசோகா ஹல்வா தயாருங்க. இது வந்து நீங்கள் வந்து எந்த அக்கேஷனுக்கு வேணாலும் படைக்கலாம், ஃபெஸ்டிவல் எந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த நவராத்திரிக்கு இதை வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கோதுமை யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து இதை செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன்.